एक और जबरदस्त वीडियो। तो आज हम सभी बात करने वाले हैं कि अपने फ़ोन की लाइफ को कैसे इंक्रीज करें। 2020 में हुए एक सर्वे के मुताबिक हर इंडियन सिर्फ एक साल मतलब 15 महीने के आसपास फ़ोन यूज कर रहा है। दोस्तों ये सही नहीं है। एक फ़ोन की लाइफ कम से कम 2 साल की होती है और आप एक ही साल में मतलब आप हर अगले साल फ़ोन चेंज कर रहे हो और इससे आप अपने अर्थ के अपने धरती के हमारे धरती के इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को बढ़ा रहे हैं दोस्तों, जो हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो दोस्तों आज मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूँ जिससे आप अपने फ़ोन के लाइफ को इंक्रीज कर सकते हैं, ज़्यादा दिन तक चला सकते हैं। तो वीडियो ठीक तरह से देखिएगा, लेकिन अगर उससे पहले चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर कॉल का ऑप्शन दबा दीजिए। चलिए सिलसिला चालू करते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, कई बार होता है हमारे फ़ोन का बटन ख़राब हो जाता है, बटन काम नहीं करता या फिर माइक्रो USB वगैरह निकल जाता है। तो दोस्तों उसके लिए फ़ोन चेंज करने की क्या जरूरत है, जाइए सर्विस सेंटर में जाइए, चेंज करवा लीजिए। थोड़े से पैसे लगेंगे, वो भी वारंटी में है तो अभी चेंज हो ही जाएगा, वरना थोड़े से पैसे लगेंगे चेंज हो जाएंगे। तो क्या दिक्कत है दोस्तों, क्या जरूरी है उसके लिए फ़ोन चेंज करने की। और जो अगली प्रॉब्लम आती है वो आती है बैटरी। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, मतलब जनरली ये प्रॉब्लम आ जाती है दोस्तों। एक साल के अंदर आपके फ़ोन की बैटरी लाइफ घटेगी, डेंसिटी घट जाएगी और 1.5 साल में बहुत घट जाएगी। तो दोस्तों इसके लिए फ़ोन क्यों चेंज करना, जाइए सर्विस सेंटर, बैटरी बदलवा लीजिए, हो गया आपका फ़ोन फिर से फर्स्ट क्लास और चलेगा। तो आगे बढ़ते हैं, केस एंड स्क्रैच गार्ड दोस्तों, इनका यूज आप ज़रूर कीजिए क्योंकि केस बहुत प्रोटेक्शन के लिए होता है, स्क्रैच गार्ड तो होता ही होता है। स्क्रैच गार्ड अगर आप नहीं लगाओगे तो आपके डिस्प्ले को कुछ हो गया तो लंबा खर्च जाएगा दोस्तों। डिस्प्ले मतलब जो महंगे पार्ट्स होते हैं फ़ोन के, उसमें से एक ही डिस्प्ले भी आता है बहुत, मतलब अगर एक बार डिस्प्ले को कुछ हो गया तो अच्छा लंबा खर्चा लग सकता है दोस्तों। और केस अगर आप केस नहीं लगाओगे तो एक बार गिरा तो, अगर आप आजकल तो मिरर बैक वाले फ़ोन आते हैं वो, अगर एक बार गिरा तो ख़त्म कहानी। वो लगाओगे तो मिरर वाला को प्रोटेक्शन देगा और आपको जो सुंदर फ़ोन है वो सुंदर ही रहेगा, नहीं तो आपको प्लास्टिक बैक है तो उस पर स्क्रैच वगैरह आ जाएंगे कुछ दिन में, आपको आपका फ़ोन खुद ही अच्छा नहीं लगेगा दोस्तों। तो केस और स्क्रैच कार्ड को ज़रूर यूज कीजिए। लेकिन दोस्तों एक वार्निंग है, जो सड़क पे जो 50 रुपये में लगाता है गोरिल्ला ग्लास वाले लिखा रहता है ना, ₹50 मोबाइल गोरिल्ला ग्लास स्केच कार्ड, वो मत लगवाइए दोस्तों। आपने 15-20-25 हज़ार का फ़ोन ख़रीदा है, एक 200-250 का अच्छा क्वालिटी का स्केच कार्ड लगाइए, आपके फ़ोन के लिए अच्छा रहेगा, वरना 50 रुपये वाले आपके फ़ोन के लिए अच्छा नहीं होता, हार्मफुल होता है दोस्तों, वो मत लगवाइएगा। तो चलिए तीसरे नंबर का जो टिप है वो है चार्जिंग से रिलेटेड। कभी भी अपने फ़ोन का 0 to 100 चार्ज नहीं कीजिए दोस्तों। 10-15% पाया चार्जिंग पर लगा दीजिए, 90-95% आया बस चार्जिंग से निकाल लीजिए। क्योंकि दोस्तों देखिए 0 to 100 चार्ज करने में आपके फ़ोन के CPU पे असर पड़ता है दोस्तों। कभी भी 0 to 100 नहीं करना चाहिए और फ़ोन को बार बार चार्ज पर नहीं लगाइए दोस्तों। हम लोग सोच रहे हैं अपने बैटरी को हम लोग कैसे संभाल मतलब इंक्रीज़ करें और कैसे हम लोग अपनी बैटरी को प्रोटेक्ट करें एक वीडियो बनाने का, तो जल्दी वीडियो बनाएंगे, तब तक के लिए ये वीडियो तो देखिए पूरा। तो दोस्तों जो चौथा टिप है वो है आपके फ़ोन में हैवी ऐप्स मत रखिए, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सब के लाइट वर्जन्स आते हैं, जैसे फेसबुक लाइट, इंस्टाग्राम लाइट, मैसेंजर लाइट, इन सब को यूज कीजिए। क्योंकि दोस्तों हैवी ऐप्स आपके फ़ोन के CPU पे असर डालता है, आपके फ़ोन पे असर डालता है दोस्तों, जो आपके फ़ोन के लाइफ को कम कर देती है। अगर ये खासकर मिड रेंज के लिए, क्योंकि आपके पास अगर 10-15 हज़ार का फ़ोन है तो आपके फ़ोन पे असर करेगा ही करेगा। अगर आपका 50-40 हज़ार का फ़ोन है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप ये मत कीजिए हैवी ऐप्स रखिए, क्योंकि आजकल फ़ोन इतने पावरफुल आ गए हैं कि 40-50 हज़ार वालों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा इन हैवी ऐप्स के। तो दोस्तों लाइट रखिए और एक पीरियोडिक टाइम बना लीजिए कि हर 10-15 दिन आप अपने फ़ोन को चेक कीजिए कि कौन से ऐप ऐसे हैं जिसका मुझे अभी यूज़ नहीं है, फिर उन्हें डिलीट कर दीजिए और फिर जब यूज़ होगा तो उन्हें इंस्टॉल कर लीजिएगा। क्योंकि फ़ोन में आप रखिएगा तो फ़ोन पे भरा भरा जितना कम ऐप रहेगा आपके फ़ोन पे उतना ही अच्छा रहेगा दोस्तों, उतना ही आपकी फ़ोन ज़्यादा दिनों तक टिकेगा। तो चलिए आखिरी 5वें नंबर का टिप है वो है दोस्तों, हीट के वजह से प्रोसेसर मतलब परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है आपके फ़ोन का। हीट से आप अपने फ़ोन को बचाइए, क्योंकि हीट के वजह से फ़ोन के पार्ट्स पे असर पड़ता है दोस्तों। कार में है, कार के आगे में रख दिया अपना फ़ोन, उस पर सीधा सनलाइट पड़ता है दोस्तों। आपका फ़ोन का जो स्क्रीन है वो भी तो ब्लैक ही है, जब आप ऑफ होता है तो ब्लैक होता है, इतना इसकी हीट एब्जॉर्ब करता है वो दोस्तों, क्या बताऊँ, जिससे आपके फ़ोन के पार्ट्स गर्म होने लगते हैं, उसके बाद उन पर बहुत बहुत बैड प्रभाव पड़ता है दोस्तों। तो हीट से प्रोटेक्ट कीजिए और एक मॉइस्चर भी है दोस्तों, मॉइस्चर से भी प्रोटेक्ट कीजिए। और जो सोचते हैं कि हमारा फ़ोन वाटरप्रूफ है, आप बार बार उन्हें भिगाएंगे दोस्तों, फिर भी कितना भी वाटरप्रूफ हो हल्का ना हल्का पानी अंदर जाएगा, हल्का ना हल्का असर पड़ेगा दोस्तों। वाटर दोस्तों मॉइस्चर और हीट से अपने फ़ोन को प्रोटेक्ट कीजिए।
और बाकी टिप्स तो आपने सुनी लिया, यही पांच टिप्स थे जो आपको बताने थे दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और अपने स्मार्टफोन के लाइफ को बढ़ाइए, और जल्दी से एक साल में दोस्तों फ़ोन बिल्कुल भी चेंज नहीं कीजिए दोस्तों, खींचने की कोशिश कीजिए, फ़ोन को ज़्यादा से ज़्यादा समय तक चलाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उससे आपके भी पैसे बचेंगे और फ़ोन लेके क्या फ़ायदा है दोस्तों, ज़्यादा बार बार फ़ोन लेने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, उल्टा हम लोग वेस्ट बना रहे हैं। बस इतना ही कहना था दोस्तों, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।